2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने खुद नामांकन भरकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव बीजेपी के वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को चुनौती देंगे। आखिरकार आपको बता दें हैं कि कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को किस तरीके से यहां लाभ मिलने वाला है। कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भरा नामांकन। अखिलेश के मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल, पीडीए को भी मिलेगी मजबूती। फिरोजाबाद, आगरा, बदायूं तक मिलेगा पार्टी को जबरदस्त समर्थन। अखिलेश यादव के मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी मतदाताओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। कन्नौज के आसपास इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी में भी वोटर्स काफ़ी प्रभावित होंगे। इन 6 सीटों पर मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण मतदाताओं की बहुतायत मानी जाती है। मुलायम सिंह के जमाने से ही ये सभी सीटें समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ बन गई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनावी माहौल को बनाते हुए कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यह वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए दोधारी तलवार बन गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से उतरे और अखिलेश यादव ने खुद ही चुनावी बिगुल फूंक कर इसके संकेत दे दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पूरा चुनावी समीकरण बदला हुआ नजर आने लगा है। अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरते ही पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है और कन्नौज लोकसभा सीट, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी, वहां पर अखिलेश यादव की किलेबंदी करने से समाजवादी पार्टी की जीत की उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।